2024, जहां एक तरफ देश में जश्न का माहौल था इंडिया पाकिस्तान इनिंग्स का, उसी के साथ साथ दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में हमारे प्रधानमंत्री अपनी तीसरी पारी की शपथ ले रहे थे अपने 72 मंत्रियों के साथ। वहीं दूसरी तरफ देश में दहशत का माहौल था, जिस समय देश को जरूरत थी हर उस व्यक्ति की जिसकी बातों को देश की जनता मानती है और फॉलो करती है। उस वक्त वो सभी इन्फ्लुएंसर्स और सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज उस चीज को इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि देश के काम आने पर उन सभी को पैसा नहीं मिला था। आप लोग अब तक समझ तो गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ वैष्णो देवी अटैक की, जहाँ जम्मू के रियासी में एक पिलग्रिम से भरी बस पर कुछ आतंकवादियों ने गोलियों से अटैक कर दिया था, जिस कारण वो बस खाई में जा गिरती है और 10 लोगों की मौत हो जाती है और करीब 41 लोग घायल हो जाते हैं, जिसमें औरतें बच्चे बूढ़े भी शामिल थे। सूत्रों के अनुसार माना जाए तो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने ही वो अटैक करवाया था। जिस दिन हमारे देश में मोदी सरकार की तीसरी पारी की ओथ सेरेमनी चल रही थी, पाकिस्तान की ओर से खुली वार्निंग आई थी हमारे देश की सरकार को, हमारे देश के सिस्टम को, हमारे देश की जनता को, कि सरकार किसी की भी रहे उनकी दहशत का खौफ ऐसे ही बरकरार रहेगा। नौ जून 2024 को कई अज्ञात आतंकवादियों ने शिवखोरी गुफा से कटरा रियासी जा रहे हिंदू तीर्थयात्रियों से भरी एक यात्री बस पर गोलीबारी की। इसके बाद बंदूकधारियों ने दुर्घटनाग्रस्त बस पर और गोलीबारी की। हमले में 10 लोग मारे गए, 7 लोगों की तो इंस्टेंट ही मौत हो जाती है खाई में गिरते ही। लेकिन आतंकवादी यहीं तक ही नहीं रुके, इन लोगों की दरिंदगी इतनी ज्यादा बाहर निकल कर आई कि इन्होंने खाई में गिरी बस पर और गोलीबारी की, जिससे 3 व्यक्ति की और मौत हो गई, जिसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल था जिसे करीब 5 गोली लगी और 41 अन्य घायल हो गए। प्रतिरोध मोर्चा यानी TRF ने शुरू में हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन बाद में इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, जबकि स्थानीय पुलिस का मानना है कि हमला लश्कर-ए-तैयबा ने किया था, जिसका TRF एक मुखौटा माना जाता है। हालांकि वास्तविक अपराधियों को भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निर्धारित किया जाना बाकी है। मेरा उन आतंकवादियों से एक ही सवाल है, क्यों, क्या मिल गया ये सब करके? क्या गुना था उन पिलग्रिम्स का जिन्हें तुम लोगों ने मौत के घाट उतार दिया? मेरा सवाल उन इन्फ्लुएंसर्स और सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज से भी है, जो ऑल आईज ऑन रफा के टाइम पे तो भर भर के पोस्ट, स्टोरीज और रील्स डाल रहे थे, क्योंकि पैसा मिल रहा था ना। लेकिन जब बात हमारे देश पर आई तो सब कहां गायब हो गए। ये चोट हमारे देश के दिल पर, हमारे देश की जनता के दिल पर लगी है, जिसका इंसाफ मिलना ही चाहिए। हम और हमारे देश की जनता तब तक सवाल करेगी इन लोगों से जब तक हमें जवाब नहीं मिलता, और जब तक उन 10 मासूमों को जस्टिस नहीं मिलता हम चुप नहीं बैठेंगे। सारी इंटेलिजेंस लगी तो हुई है उन खूंखार आतंकवादियों को ढूंढने में, तब तक हम लोग भी अपने अपने घर में बैठ के प्रे करेंगे उन मासूमों की आत्मा की शांति के लिए, और भगवान उन सभी के परिवार को हिम्मत दे आगे की जिंदगी व्यतीत करने में। बनाने वाले ने तो एक धरती बनाई थी, पर ये तो इंसान के लालच ने लोहे और बारूद से लकीरें खींच दी। वो तेरा ये मेरा, मैं तो शुक्र करता हूँ चांद आसमान में है, अगर धरती पे होता तो ये लोग तो उसके भी टुकड़े कर देते। आप क्या सोचते हो इस मुद्दे पर कमेंट्स में जरूर बता के जाना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स में जरूर लिख के जाना भारत माता की जय।